हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। यहां ब्राउनी ने बच्चे दिए थे और ब्राउनी के बच्चे देने के बाद मेरी दो और फीमेल गिनी पिग्स प्रेग्नेंट थी, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं। अभी घास ऊपर रखी हुई है मैंने, तो ये उठ के घास को खा रही है, तो मुझे उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसका पेट कैसा हो गया, और अब कुछ दिनों में ये लोग भी बच्चे दे देंगी, क्योंकि बच्चे बिल्कुल अब फील होने लगे हैं। बच्चों की हड्डियाँ और बच्चों का शेप बिल्कुल फील होने लगा है। तो अभी फ़िलहाल पहले मैं घास दे देता हूँ ताकि ये लोग आराम से खाएँ। ये देखिए, तो ये जो ग्रास है ये हे ग्रास और गार्डन ग्रास मिक्स है, तो यहाँ पे इन लोगों को मैंने ये दी है खाने के लिए। और अभी दोनों की हेल्थ काफ़ी अच्छी चल रही है, दोनों का वज़न भी बढ़ गया है, बॉडी शेप भी काफ़ी अलग हो गया है, और पेट आप लोग देख ही सकते हैं किस तरीके से ये लोग बिल्कुल बलून जैसी फूल गए हैं पीछे से। और इसके तो बच्चे अब काफ़ी हद तक फील होने लगे हैं, और यहाँ लिटिल के थोड़े से बाकी हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है लिटिल का लीटर साइज़ ज़्यादा है इससे, और ये दो बच्चे देगी। और ये थोड़ा सा डरी हुई भी रहती है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है इसका, और लिटिल का भी फर्स्ट टाइम है, लेकिन लिटिल डरती इसलिए नहीं है हमारी ये वाली गिनी पिग, क्योंकि ये बचपन से ही साथ में रही है। और जब मैं इसको लेकर आया था तो ये बहुत छोटी थी, सभी गिनी पिग्स में सबसे छोटी यही थी, और उतनी शैतान उतनी गुस्से वाली ये हो गई है। इसको तो अभी फ़िलहाल में ही लेकर मैं आया था, और आते ही इसने ब्रीड की, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला, और ये बच्चे भी देने वाली है। तो ये और ब्राउनी काफ़ी अच्छी नस्ल की गिनी पिग लग रही हैं, क्योंकि इन्होंने तुरंत अच्छी खासी रिज़ल्ट दिए, और जिसमें से मेरी ब्राउनी नाम की जो गिनी पिग है वो तो काफ़ी ही अच्छा रिज़ल्ट दिया उसने। दो ढाई महीने बाद खुद ही उसने दोबारा से ब्रीड कर ली, और फिर अभी देखिए आप लोग देख सकते हैं लीटर साइज़ भी बढ़ गया। तो यहाँ रही बात मेरी इस गिनी पिग की और इस गिनी पिग की, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी मार्च पूरा शायद कवर करें, और उसके बाद अप्रैल या फिर मिड ऑफ अप्रैल में ये बच्चे दे सकती हैं। तो अब देखना ये है कि इसके बच्चे तो जहाँ तक मुझे लगता है वो ट्री कलर ही होंगे, यानी कि ब्लैक वाइट ब्राउन होना कंपलसरी है उनमें। और इसके बच्चे देख के मुझे लगता है कि वो थोड़े से हो सकता है कि एकाध कोई एल्बिनो निकल आए, या फिर कोई ब्लैक प्योर या फिर ब्राउन, क्योंकि ये जो थोड़ी सी नस्ल है इसकी थोड़ी सी अलग है। इसका बॉडी शेप और फेस कट भी आप लोग देख सकते हैं इसके मुताबिक काफ़ी अलग है। तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हमें मिले, क्योंकि काफ़ी देख रेख की है इनको, नॉर्मल जो ग्रास देना टाइमली इनको ग्रास देना, और जो भी इनकी फीड लगती थी ग्रेन्स वेजिटेबल फ्रूट्स टाइमली सब कुछ इनको फीड किया गया है इनके पहले हफ्ते से ही। और देखिए जब गिनी पिग अपने पहले हफ्ते में होती है तो थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि आप लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है पहला और दूसरा हफ्ता, क्योंकि उस समय गिनी पिग का पेट का शेप हल्का सा तो आ जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है आपकी गिनी पिग जब नॉर्मली वैसे ही रहती है जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती वो खाना खा लेती है, तब भी वो पहले या दूसरे हफ्ते की ही लगती है। लेकिन इसमें जो काफ़ी बारीकी से हम देखते हैं कि गिनी पिग सच में बच्चे देने वाली है कि नहीं, उसका हफ्ता कौन सा चल रहा है, ये बहुत ही बारीक चीज़ है, और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप लोग सीखना चाहें तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो यही सब चीज़ें मैं पिछले कई सालों से गिनी पिग पाल पाल के, और फिर उसके बाद एक एक चीज़ नोटिस करके डायरी में लिख लिख के हम लोग सीख गए हैं, और काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि गिनी पिग को क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको चाहिए क्या नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल मैंने जब ग्रेन्स दिए थे तो उन लोगों ने नहीं खाया, तो जिससे कि हमें पता लग गया कि क्योंकि ये दोपहर का टाइम है और इनको इस टाइम पे ग्रास ही चाहिए होती है, क्योंकि ग्रास में क्या है जब ये लोग घास खाती हैं तो घास खाने के बाद वो भी दोपहर के टाइम पे, दोपहर का समय ऐसा समय होता है कि गर्मियों में उमस बढ़ जाना और काफ़ी हद तक गर्मी ऐसी हो जाती है कि आदमी बेचैन होने लगता है, और वैसे ही जानवरों के साथ भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार गर्मियों के टाइम पे ही कई कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो बाहर निकलते हैं अपने बिल से और ठंडी जगहों को तलाश करते हैं। तो ये घास जो है गिनी पिग्स के लिए दही का काम करती है, जैसे कि हम लोग दही जब खाते हैं तो हमारा पेट काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है और काफ़ी राहत मिलती है हमें, तो ये भी गिनी पिग्स के लिए रैबिट्स के लिए काफ़ी हद तक उनको उनके पेट को ठंडा रखने का काम करती है। तो इसीलिए दोपहर के टाइम पर मैं इनको ये फीड करता हूँ। तो आप लोगों के भी गिनी पिग अगर प्रेग्नेंट है तो आप उनको ये दे सकते हैं। और यहाँ देखिए घास की दोनों क्वालिटी हैं, यहाँ पे ये है गार्डन ग्रास और ये वाली है हे ग्रास, तो दोनों इनको फीड करा रहा हूँ मैं, और बीच बीच में छोटे मोटे जो नन्हे मुन्ने से
झाड़ झंकड़ा रखे, ये गिनी पिग्स खुद ही छांट देंगे क्योंकि ये जानते हैं इनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो चलिए, ये थी एक अपडेट वीडियो मेरे इन दो फीमेल गिनी पिग्स के बारे में, और अब धीरे धीरे इनकी और अपडेट वीडियोज आती रहेंगी, और फिर उसके बाद जब ये बच्चे देंगी तो वो एक वीडियो आएगी। चलिए फिर वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अपने पेट्स का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।